हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2019 में जो वैकेंसीज निकली है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूँ मैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज। कोशिश करूँगा कि मैं आपको डेली ये एक दो दिन 2-3 दिन में 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता रहूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, सभी क्वेश्चंस लूसेंट ऑब्जेक्टिव की जो बुक है उसमें से लिए हैं और उसमें से ही आता है। ठीक है, आप रेलवे एसआई का पेपर आपने दिया हो तो देख लेना, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन लिए गए हैं। कॉन्स्टेबल का दिया हो, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन लिए गए हैं उसी बुक से, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, और अगर आपके पास है तो ठीक है, आपका रिविज़न हो जाएगा। और स्पीडी भी आती है, लेकिन वो हिंदी मीडियम के लिए है, तो हिंदी थोड़ा सा, मुझे हिंदी आता तो है पढ़ना, लेकिन हिंदी में आई एम नॉट कंफर्टेबल। ओके सो, और हाँ, यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस नहीं लिए, क्योंकि 4 ऑप्शंस के लिए आपके पास कई सारी क्लासेस हैं। जैसे आप अड्डा की देख सकते हो, महेंद्र गुरु की देख सकते हो, वाईफाई स्टडी, एग्जामपुर एंड सो मेनी क्लासेस जो आपको पढ़ा भी रहे हैं और आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, केवल आपके रिवीजन पर्पस से जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो देख लेना, नहीं हो तो आपकी इच्छा, ये केवल रिवीजन पर्पस के क्वेश्चंस हैं, ये केवल रिवीजन के। ठीक है, और मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम मीडिएवल एंड एक्स वाई जेड, जितना भी मैंने फॉर्मेट बताया था वैसा किया है मैंने। ठीक है, केवल क्वेश्चन है और आंसर है, 4 ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, केवल क्वेश्चन है और आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आपके कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए ना करिए, लाइक वो आपकी इच्छा है, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा कि मैं आगे और वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं। ठीक है, क्योंकि आप अपना टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे, मैं चाहता हूँ। और जूनियर इंजीनियर एक ऐसा फेज़ है जो बहुत कम वैकेंसीज हैं, ऐसे तो 14,000 कुछ बताई गई हैं, लेकिन बहुत कम वैकेंसीज हैं। ठीक है, और अपना टाइम अगर आप यूट्यूब पे दे रहे हैं तो उसे यूटिलाइज करिए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। कमेंट्स जरूर करिएगा, आपके कमेंट्स ही हैं जो बताएंगे मुझे कि ये वीडियो आगे कंटिन्यू करूँ मैं या नहीं करूँ। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से मैं शुरू करूंगा, एकदम बेसिक से, एक क्लास से। ओके, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है? तो ये 3 लोग हैं दोस्तों, न्यूटन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली एंड एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? तो ये है एंटोनी लवाइजियर। ओके, एंटोनी लवाइजियर करके एक व्यक्ति है, उन्हें कहा जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक। अब बायोलॉजी के फादर की बात करते हैं, तो बायोलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल जिनकी ये बुक है, अगर ये बुक आए एग्ज़ाम में तो मेंशन की हुई है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये बुक है जो एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का लोकल नेम क्या था? तो उसे कहते थे हम लोग माउंट ऑफ द डेड। ओके, माउंट ऑफ द डेड। हु कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, पुरी में जो जगन्नाथपुरी एक जगह है उड़ीसा में, जो जगन्नाथ टेम्पल, विष्णु जी का अवतार, वो किसने बनवाया था? तो ये अनंत वर्मम वर्मन करके एक राजा थे, उनका निर्माण है। ठीक है, पुरी जो है, जगन्नाथपुरी आप गए होंगे, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा, रथ यात्रा निकलती है, उड़ीसा में है ये। ठीक है, नहीं गए हैं तो एक बार चले जाइए, काफ़ी अच्छा होली पिलग्रिम प्लेस है। बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस क्या है? तो ये है तलवांडी। ठीक है, तलवांडी। ओके, द एक्सरसाइज विच इज़ मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है? तो इस एक्सरसाइज का नाम है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है,
जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत मदद की थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य मीन्स कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं इसमें। तो ये होते हैं दोस्तों एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया की, ठीक है, तो उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स आते हैं। द समर एंड विंटर सीजन इन ए ईयर आर कॉज्ड बाय, जो ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु होती है, हिंदी में ग्रीष्म ऋतु मीन्स गर्मी और शरद ऋतु मीन्स सर्दी, वो किसके कारण होती है? तो वो होती है दोस्तों रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस, ठीक है, अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण इंक्लाइंड एक्सिस पे। हु इज़ द न्यू सेक्रेटरी ऑफ CCI? CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के न्यू सेक्रेटरी कौन है? तो वो है PK सिन्हा, याद रखिएगा PK सिन्हा CCI सेक्रेटरी। ओके, SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की SI यूनिट क्या है? तो वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने ग्राम्स के बराबर होती है? तो ये होती है 1.66 × 10^-24 ग्राम्स। ओके, 1.66 × 10^-24 ग्राम्स। ग्रोइंग ऑफ ट्रीज विथ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके, इट इज नोन एज एग्रो फॉरेस्ट्री। इंडस सिविलाइजेशन गिव्स एविडेंस ऑफ ए डोकियार्ड कॉल्ड, इट इज कॉल्ड लोथल। ओके, लोथल एक डोकियार्ड था, डोकियार्ड था इंडस सिविलाइजेशन में, ठीक है। विच राजपूत किंग डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा राजपूत किंग थे वो जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो वो है पृथ्वीराज थर्ड। ओके, वो थे पृथ्वीराज थर्ड। विच गवर्नर जनरल हैज एंटरटेन रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह जो थे, विद ग्रेट ऑनर एट रोपड़? रोपड़ ये हरियाणा की एक जगह है, हरियाणा का शायद जिला है ये, ठीक है। तो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्हें जिन्होंने रंजीत सिंह को ऑनर दिया था? तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? जब संविधान बन रहा था या बनाया गया था, उसके चेयरमैन कौन थे यूनियन पावर कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चेयरमैन कौन थे? तो वो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय विच मेथड? भारत में एग्रीकल्चर या कृषि की जो आय है वो किस मेथड से कैलकुलेट की जाती है? तो वह है दोस्तों आउटपुट मेथड से, ठीक है, या आउटपुट आउटपुट मेथड, ठीक। द लेयर ऑफ अर्थ इन विच मिनरल हैविंग हैवीएस्ट मटेरियल्स ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी, तीन लेयर होती है, पता होगी आपको, ठीक है। तो तीन में से कौन सी लेयर रहती है? तो वो रहती है सेंट्रल कोर, ठीक है, क्रस्ट कोर एंड मेंटल, ये तीन लेयर्स रहती है अर्थ की। तो इसमें से सेंट्रल कोर रहती है जिसमें हाईएस्ट मिनरल, हैवीएस्ट मिनरल पाया जाता है, ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी में। 106th नेशनल साइंस कांग्रेस सेशन इज हेल्ड इन, कहाँ हुआ था 106वां नेशनल साइंस कांग्रेस सेशन? तो वो होता जालंधर में, ठीक है, जालंधर ये पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में है। विच लॉ ऑफ न्यूटन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? तो यह है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम विच मेथड? तो ये कौन सी मेथड है? यह है सब्लिमेशन। ओके, इट इज सब्लिमेशन, जिसमें सैंड एंड नेफ्थलीन का जो मिक्सचर है उसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। द नॉन ग्रीन हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम आर, नॉन ग्रीन हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स कौन से हैं प्लांट किंगडम के? तो वो है एल्गे, ठीक है, वो है एल्गे।
An advanced management system of Harappan times had been unearthed at. Advanced actually a water management system, okay? It is an advanced water management system of Harappan times has been, it is has been unearthed at Dholavira, okay? Dholavira, जिसे rock cut architecture के लिए भी वो प्रसिद्ध था, ठीक है? धोलावीरा रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए भी प्रसिद्ध था, ठीक है? अब आप मुझे बता सकते हैं कि रॉक गार्डन कहाँ पे है? रॉक गार्डन कहाँ पे है? ठीक है? सेकंड फाइव ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल? तो ये था महानोबोलिस मॉडल पे, ठीक है? महानोबोलिस मॉडल पे, ठीक है? पीसी महानोबोलिस एक अर्थशास्त्री थे, उनके मॉडल पे आधारित था. द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेन एक्सप्रेस इट्स एंगुलर पोजिशन रिलेटिव टू द प्लेस कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इक्वेटर, ठीक है? इक्वेटर. अल बेरूनी लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, अल बेरूनी किसके शासनकाल में रहा है? तो वो है महमूद गजनवी के, ठीक है? महमूद गजनवी, याद रखिए मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी दोनों अलग अलग नाम है, ठीक है? तो अल बेरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में रहा है. डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स इज एसोसिएटेड विद विच गवर्नर जनरल? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, सो इट इज लॉर्ड डलहौजी, ओके? लॉर्ड डलहौजी. द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ओके? हु इज द हेड ऑफ जीएसटी पैनल? सभी को पता है बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं सुशील कुमार मोदी जी, वो है इसके जीएसटी काउंसिल के हेड, ठीक है? जीएसटी पैनल के हेड, ठीक है? द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, डायमेंशंस मीन्स डायमेंशनल फार्मूलास. तो दो क्वांटिटीज हैं ऐसी, पहले है वर्क एंड टॉर्क, ठीक, एंड मोमेंटम एंड इम्पल्स. एम एल टी माइनस वन होता है एंड इसका होता है एम एल टू टी माइनस टू, ओके? मिस्क मेटल इज वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, याद रखिएगा मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है. मिस्क मेटल तो ये रहता है सिगरेट लाइटर्स के लिए, ठीक है? कौन सा मेटल? मिस्क मेटल, एम आई एस सी एच, मिस्क मेटल्स, ओके? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पास गिवन बाय विटेकर इज मेनली बेस्ड ऑन. अब फाइव किंगडम का जो क्लासिफिकेशन था विटेकर ने दिया, वो किस पे आधारित है? तो वो आधारित है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, ठीक है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक. संस्कृत ग्रामर इज रिटन बाय, किसने लिखी है? तो ये लिखी पाणिनी ने, ठीक है? पाणिनी, ओके. ऑथर ऑफ गीत गोविंद जयदेव वाज द कोर्ट पोएट ऑफ, गीत गोविंद के ऑथर कौन है? जयदेव है. वो किसके कवि थे, किसके दरबार में कवि थे? तो वो थे दोस्तों लक्ष्मण सेना के, ओके? लक्ष्मण सेना. बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन, बक्सर की लड़ाई या बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1764 में, बक्सर, ओके? 1764. द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? तो वो ही लिया गया है यूएसए से, ओके? जुडिशियल रिव्यू, याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू, इट इज टेकन फ्रॉम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है. इन इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज, कैसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइन करते हैं? तो वो करते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ओके? ये ठीक. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टर्शरी एपोक फ्रॉम यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट, क्या है टर्शरी एपोक का करेक्ट सीक्वेंस? तो ये है दोस्तों, देखिए, प्लियोसीन, मायोसीन, ओलियोसीन एंड इकोसीन, ओके? विच मूवी वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा एट 76th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, कौन सी मूवी है? तो वो है बोहेमियन हैप्सोडी, ओके? बोहेमियन हैप्सोडी, आर इज साइलेंट हियर, ओके? टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट,
वेयर एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ये कब होता है, जब टाइम ऑफ असेंट और टाइम टाइम ऑफ असेंट जो रहता है वो टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल्स रहता है, जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रहता है जब हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ओके, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ओके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स। द टेस्ट फॉर एचआईवी वायरस कॉजिंग एड्स इज, एचआईवी का फुल फॉर्म है दोस्तों याद रखिएगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एंड एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का जो वायरस जब अटैक करता है सबसे पहले हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो बहुत वीक हो जाता है, ठीक है। तो यह है एलिसा टेस्ट, ओके, एलिसा टेस्ट फॉर एचआईवी। पुरुषोक्ता इज फाउंडेड इन विच वेद, पुरुषोक्त जो है पुरुषोक्ता वो कौन से वेद में है, किस वेद में पाया गया है, तो वो पाया गया है ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद। बैटल ऑफ वाहिन जो कि 1009 AD में लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच में, ठीक है, बैटल ऑफ वाहिंद, वाहिंद की लड़ाई, ओके, या वाहिंद का युद्ध। व्हेन डिड ब्रिटिश स्टार्ट सोलिंग इन इंडिया डायरेक्टली, डायरेक्टली मीन्स पूरा कैप्चर करके कब से स्टार्ट कर दिया था, वो क्या था, जो सिपाही म्यूटिनी आई थी उसके बाद से, ठीक है, सिपाही म्यूटिनी के बाद से, ओके। द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इज, ऐसा राज्य भारत का जहाँ पे कोयले की जो खदानें सबसे ज़्यादा है, तो वो है झारखंड, ठीक है, याद रखिएगा झारखंड। कंपोजिट वल्कनो कोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, कंपोजिट वल्कनो कोन्स को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्टार्टा कोन, ओके, स्टार्टा कोन। एट द टाइम ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल, ये आइडिया बाद में लिया गया था प्रीएम्बल में, उस समय नहीं था जब एनेक्टमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो था सोशलिस्ट, ओके, सोशलिस्ट, ठीक। अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन इज रिटेन बाय, ये रिसेंटली बुक है जो अभी अभी लिखी गई है, किसने लिखी है, अभी भी पब्लिश हुई है, लिखी तो बहुत पहले जा चुकी होगी, पब्लिश हुई है ये मनोहर मनोज ने, ठीक है, मनोहर मनोज, अ क्रूसेड इन द करप्शन। द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट इन ए वेव इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड वेव लेंथ, ओके, याद रखिएगा इट इज कॉल्ड वेव लेंथ। द चार्ज ऑन ए पॉजिट्रॉन इज इक्वल्स टू, चार्ज ऑन ए प्रोटोन, ओके, इट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन ए प्रोटोन। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, इसे कहते हैं कोकी, ओके, इट इज कोकी। हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर, गॉड वरुण, गार्डियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जिसे ब्लैक पागोडा भी कहते हैं वॉज बिल्ट बाई, किसने बनवाया था, सूर्य मंदिर कोणार्क का, यह भी उड़ीसा में ही है, तो ये बनवाया था नरसिंह देव फर्स्ट ने, जो कि गैंग डायनेस्टी के थे, ठीक है, गैंग वंश के थे। हु इशूड फिरमैन ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा टू इंग्लिश मैं, किसने दी थी, तो ये दी थी निजा शाह आलम टू ने, ठीक है, ये दी थी शाह आलम टू ने। एजुकेशन बिलोंग्स टू विच लिस्ट, आपको पता ही होगी कितनी लिस्ट होती है, तो ये रहती है कॉन्करेंट लिस्ट में, एजुकेशन का जो पोर्शन रहता है एजुकेशन, इट बिलोंग्स टू कॉन्करेंट लिस्ट। इलेक्ट्रिसिटी वॉज फर्स्ट सप्लाइड इन इंडिया, भारत में बिजली कहाँ आई थी, तो ये आई थी दार्जिलिंग में, ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ है, तो यह है वेस्ट बंगाल में, ओके, ममता दीदी वहाँ जहाँ की मुख्यमंत्री है। करेक्ट सीक्वेंस फॉर स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट ग्रेन ऑफ कॉस्टिक रॉक्स आर, कॉस्टिक रॉक्स का सीक्वेंस क्या है, छोटे से बड़ा, तो वो ये है शेल, सिल्ट स्टोन, सैंड स्टोन एंड कॉन्ग्लोमेरेट, ओके, ये कॉस्टिक रॉक्स का है। इंडियन रैंकिंग इन द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स अभी आई थी, तो ये कितनी रैंक है इंडिया की,
79 थे जिसमें जापान ने टॉप किया, ठीक है। पासपोर्ट में अपना पासपोर्ट कितना पावरफुल है, तो वो 79th नंबर पे है, जापान का सबसे पावरफुल है। ओके, इफ अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन ब्लास्ट इन मिड एयर देन, उसमें क्या होगा? अगर एक बॉम्ब हम फेंकते हैं एरोप्लेन से और वो बीच में आके फट जाता है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। ओके, द चार्ज एंड मास इन ए न्यूट्रिनो इज क्या रहता है? तो वो रहता है जीरो, याद रखिएगा, ठीक है। न्यूट्रिनो में चार्ज एंड मास जीरो रहता है। विच फंजाई इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, कौन सी फंजाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं? तो वह रहती है रिजोपस। ओके, रिजोपस करके एक फंजाई रहती है, उसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। वर्ड्स ऑफ सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम, आपने देखा होगा सारनाथ का पिल्लर जो है, वाराणसी गए होंगे तो आप, वहीं पास में ही सारनाथ है, वहाँ से सारनाथ का जो पिल्लर है उसमें अशोक चक्र बना हुआ है, बीच में तीन शेर, वैसे तो चार रहते हैं लेकिन तीन ही दिखते हैं। तो ये जो सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, ठीक है, ये लिया गया है, इट इज़ टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। ओके, विक्रमशिला महावीरा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, विक्रमशिला महावीरा जो था किस डायनेस्टी के रूलर ने बनवाया था? तो ये बनवाया था पाल डायनेस्टी के रूलर ने। ओके, पाल। आर्टिकल 1 डिक्लेयर्ड इंडिया, आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है? तो ये लिखा गया है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, कितने राज्य हैं? देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया। ओके, तेलंगाना अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है 2 जून 2014 को। ओके, 2nd of June 2014। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे अराइज होती है? तो ये अराइज होती हैवी इंडस्ट्री बाइस के कारण। ओके, मोराइंस आर फॉर्म्ड इन विच रीजन्स, ये मोराइंस जो रहते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं? तो ये होते हैं ग्लेशियर रीजन में। ओके, मोराइंस। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, कौन सा नेटिव भारत का शासक था जिसने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो था वो अपनाया? तो वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस निज़ाम ऑफ हैदराबाद। वर्ल्ड हिंदी डे, इट इज़ नॉट आईडी, इट इज़ डे। ओके, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन, अभी गया है 1 महीने पहले ही, 10 जनवरी, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। ओके, कोलिजन इन विच बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व, कौन सा कोलिजन है? तो उसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। ओके, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ इज, तो ये है रेडियो वेव्स। ओके, रेडियो वेव्स। बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, कौन से बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में पाया जाता है? तो वो है एकिरिचिया कोली। ओके, उसका नाम है एकिरिचिया कोली, और सबसे छोटा होता है कोकी, कोकी बैक्टीरिया। ओके, यह है एकिरिचिया कोली जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इंटेस्टाइन मतलब होता है आंत। द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट टाइम वास, कौन था? मनु था। ओके, मनु। दश कुमार चरित्रम वास कंपोज्ड बाय, दश कुमार चरित्रम किसने कंपोज की थी? तो वो कंपोज की थी दादिन ने। ओके, इट इज कंपोज्ड बाय दादिन। फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध वास, कौन थे फाउंडर? तो वो थे शादत खान बुरहान अल मलिक, शादत खान बुरहान अल मलिक। ओके, द बॉडी विच हैज़ राइट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज, कौन सी बॉडी है? तो वो है हमारी पार्लियामेंट, जिसे हम संसद कहते हैं, ठीक है, संसद। द एजेंसी विच हैज़ एंगेज टू द ग्रेट एंड स्टैंडर्डाइज वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कौन सी एजेंसी है? तो वह एजेंसी है दोस्तों डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है।
वी शेप्ड वैलीज आर फॉर्मड इन, कहाँ बनती है? तो ये रिवर में बनती है, ठीक है, वी शेप्ड वैलीज, वी शेप की वैलीज। हु इज द ऑथर ऑफ वी आर डिस्प्लेस्ड, इन्हें नोबल प्राइज भी मिला हुआ है, काफ़ी छोटी उम्र में इन्हें नोबल प्राइज़ मिल गया था, और यह है मलाला यूसुफजई, सभी जानते होंगे मलाला यूसुफजई। ओके, रॉकेट्स जो रहता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो वो रहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट क्या रहती है? तो ये रहती है 6.62 × 10^-34 J/s। ओके, डिनोटेड बाई एच। बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन फूड पॉइजनिंग, कौन सा बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग में पाया जाता है? तो उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्लॉटिनम, क्लोस्ट्रीडियम ब्लॉटिनम। ओके, क्लोस्ट्रीडियम ब्लॉटिनम ये फूड पॉइजनिंग में पाया जाता है। न्याय दर्शन वॉज प्रोपगेटेड बाय, न्याय दर्शन किसने प्रोपगेट किया था? तो ये किया था गौतम बुद्ध जी ने, ठीक है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था। ओके, द लक्ष्मण डेरा वॉज स्टार्टेड बाय विच डायनेस्टी, लक्ष्मण डेरा को स्टार्ट किसने किया था? तो ये किया था सेंस डायनेस्टी 1119 AD में। ओके, 1119 AD में। हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सरल क्वेश्चन है, आपको पता होगा, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स। अ कोर्ट इश्यू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिट, रिट कहते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स इन विच सेक्टर, किस सेक्टर में करते हैं? तो ये करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो टर्शरी में नहीं करते, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में करते हैं। ओके, परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज नियरली अबाउट, कितना है? तो यह है 3%, इट इज 3%। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल यूथ डे हम लोग कब मनाते हैं? सभी को पता होगा, ये मनाते हैं 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी। अब आप बता सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद की इस साल हमने कौन सी जन्म एनिवर्सरी बनाई थी? कमेंट्स में बताइएगा। रूट वे पास आर बैंक्ड ऑन कर्व्स बिकॉज टू अवॉइड वियर एंड टीयर। ओके, रोडवे पाथ्स को जो हम कर्व रखते हैं वो वेयर एंड टीयर को हटाने के लिए। राइट्सबर्ग कॉन्स्टेंट फॉर द हाइड्रोजन लाइन इज क्या होता है? तो वो होता है 1.0968 per cm, 1.0968 per cm। ओके, राइट्सबर्ग कॉन्स्टेंट। नेम द फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? तो उसका नाम है दोस्तों एजोटो हेक्टर। ओके, एजोटो हेक्टर, इट इज हेल्प्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, बाय विच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अभी बताया था मैंने, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, कौन से एक्ट थे? तो ये था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, अष्टाध्यायी इज रिटन बाय, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी पाणिनि ने। ओके, पाणिनि अष्टाध्यायी लिखी थी, ठीक है, या अष्टाध्यायी। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी सिस्टम फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव सिस्टम हैज बीन प्रोवाइडेड इन, किसमें है ये सेपरेशन, जुडिशरी सिस्टम फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव सिस्टम? तो यह है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ओके, द चैलेंजर राइस इज लोकेटेड इन, चैलेंजर राइस कहाँ लोकेटेड है? तो ये अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। ओके, विच ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक, कौन सी ग्लैंड है? तो यह है पीनियल ग्लैंड। ओके, यह है दोस्तों पीनियल ग्लैंड। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप द EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स, किसने टॉप किया है? तो वो क्या है, नॉर्वे ने, भारत की 41st पोजीशन थी डेमोक्रेसी इंडेक्स में। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट फीमेल IPS टू रीच साउथ पोल,
कौन थी? तो ये थी अपर्णा कुमार, ठीक है, अपर्णा कुमार जी। ओके तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस, आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। सॉरी फॉर बीइंग लेट, अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भले ही मत करिएगा लेकिन कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं आगे ये वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है CGL में भी आ सकते हैं, CHSL में भी आ सकते हैं, और रेलवेज में तो आ ही सकते हैं, एंड जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, गुड नाइट।